राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आपका स्वागत है। आज काकोरी कांड की 96 सालगिरह है। ब्रिटिश साम्राज्य के दमन से देश को मुक्त कराने के लिए देश भर में जब क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रयास यह भी था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी व अन्य क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को कड़ी चेतावनी देने के लिए उस ट्रेन को लूट लिया जिसमें ब्रिटिश सरकार देश से लूटा हुआ पैसा ले जा रही थी। इस योजना के सफल रहने के बावजूद ब्रिटिश सरकार के सिपा सालारों ने क्रांतिकारियों को ढूंढ लिया और रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी हो गई। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर इन वीर बलिदानियों को हर वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में आयोजित होने वाले जाग उठा है भारत कार्यक्रम के स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री द्वारा स्थापित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वैसे तो हर साल शहीदों की याद में होने वाले इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए सादगी पूर्ण तरीके से इन क्रांतिकारियों को याद किया गया। कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश इकाई ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर चांदनी चौक के टाउन हॉल में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में झंडा फहराया। इस अवसर पर बोलते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हर परिस्थिति में देशवासियों की हित की रक्षा की है। हमारे महान नेताओं के बलिदान के कारण ही स्वतंत्र भारत में जीने का गौरव हासिल हुआ है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल, वरिष्ठ नेता लालजी देसाई, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तरुण कुमार, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, अलका लांबा सहित सेवादल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ता शामिल रहे। समारोह के पश्चात कांग्रेसियों द्वारा टाउन हॉल से लेकर गौरी शंकर मंदिर तक लाल किले के सामने तिरंगा यात्रा निकाली गई।